ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم

अल्लाह तबारक तौर ने हतिसत तो तस्लीम के माजज़ाद का बयान किया आपकी फजीलतें बयान फरमाई और ये यानी कि सारी चीज़ें इसलिए बयान फरमाई जैसा कि सुररान की इब्ता में ज़िक्र हुआ था कि नजरान के नसौारा ईसाई नसारानी कहते हैं ईसाइयों को तो नजरान के नसारा ये आए थे और नजरान एक जगह का नाम है नजरान एक जगह का नाम वहाँ के ईसाई नसारा नसरानी ये आए हैं अल्लाह के रसूल वसल्लम से मुकाबले के लिए मुनाजरे के लिए और मुनाज़रा इस बात पर है कि हज़रत अलैहि सलाम अल्लाह के बंदे नहीं हैं बल्कि अल्लाह के बेटे हैं इब्नल हैं इस पर मुनाजरा है अल्लाह के रसूल उन्हें समझा रहे हैं अब वो आए इसका यानी इस कि जो शान नज़ुल इस आयत मुबारक अन्य यहाँ से अल्लाह ने अपने महबूब को जवाब सिखाया तो ये जो है पिछले यानी कि पिछली आयात में दराइल और वाक़ात के ज़रिए से अल्लाह तबारक ताल नेतिसीसलामाम की अबदीत को आपके बंदे होने को साबित फ़रमाया कि जो बंदा जो है यानि वाक़ात की रोशनी में पता चलता हतिसीसलाम जो है पैदा हुए हैं खाना भी खाते थे रिस्क भी खाते थे तो ये सारी चीज़ें ये अबदियत की बंदगी की आलामत है खुदा होने की निशानी नहीं पैदा हो खुदा नहीं हो सकता अगर किसी यानी कोई बंदा जो है ना सिर्फ इतना सोच ले समझ ले है ना कि उनका एक यानी गैरों किया एक बड़ा ख़राब अकीदा है वो है हलूल करना किसी का किसी के अंदर घुस जाना है ना? हाँ ये अकीदा इस यानी इस अकीदे की वजह से ये यानी कि गुमराह पड़े हुए हैं और भटकते हैं है अंधेरे में वरना अगर ये अकीदा इनका नहीं होता और इनकी समझ में किसी ने अगर ये बात न डाली होती न वाला तो ये सुधर जाते लेकिन बस इस अकैदे की वजह से बिगड़े हुए हैं और वो क्या कि अगर आप यानी ये दलील दो भी अगर जैसे पहले जमाने जाहलीत में अरब में जो कुफ़ार मश्रकिन थे तो उनके यहाँ ये अकीदा नहीं था वो सिर्फ ये कि ये खुदा हैं ये जिन लात है उज्जा है मनात है या यसो है ये जितने भी थे इनके मबूल कहते हैं, ये सब खुदा हैं वो इतना मानते थे कि खुदा हैं और ये खुदा हमको ये छोटे छोटे खुदा हैं जो हमको बड़े खुदा तक पहुँचा देंगे तो इसलिए छोटों की इबादत की जाती थी और उन्हें सिर्फ खुदा मानते थे फिर उसके बाद यानी इन पर जो सवाल होते रहे क़ुरान ने इनका रद्द किया जो पैदा हो वो खुदा नहीं हो सकता जो खाए पिए वो खुदा नहीं हो सकता जो इंसान जैसा हो वो खुदा नहीं हो सकता ये सारे जब क्वेश्चन इन पर आए तो फिर धीरे धीरे पता नहीं इनके दिमाग में कहाँ से आया इन्होंने शुरू कर दिया हलूल का मसला या पहले से इनके यहाँ हो तनासुख और हलूल तनासुख और हलूल का मतलब ये कि एक बंदाजो न दूसरे के अंदर घुस जाए अब ये ले आए कि अवतार अवतार का मतलब क्या हालांकि अवतार का मतलब पैगंबर होता है हम अवतार क्या कहें पैगंबर यानी अवतार मतलब मजहर अवतार का मतलब, मतलब हम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल वसम अल्लाह की ज़ात के मजहर हैं मजहर का मतलब अवतार ये मतलब है असल ओरिजिनल मतलब ये लेकिन ये कि फिर उससे थोड़ा सा बिगाड़ दिया अब ये कहते हैं अवतार का मतलब ये होता है कि जिसमें खुदा दाखिल होकर आ जाए यानी अल्लाह ताला यानी कि जो भी खुदा वो अल्लाह नहीं कहते हैं तो किस कोई और नाम लेते हैं जो भी नाम लेते हैं लेकिन ये कि वो कहते हैं कि खुदा जो है ना वो इंसानी शक्ल इख्तियार करके दुनिया में आए को मिटाने के लिए तो फिर ये है अवतार तो हम यानी कि मिसाल के तौर पर किसी की हम आ, इबादत करते परस्तिश करते हैं कि बे फलां की परस्तिश करते क्यों वो खुद खुदा नहीं लेकिन खुदा उनके अंदर आकर ज़मीन पर आया उनकी शक्लो सूरत में ज़मीन पर आया तो है हम तो यानी खुदाई की बात चाहे इसकी करें उसकी करें उसकी करें उसकी करें इबादत तो खुदाई की है इबादत तो खुदा ही की है चाहे इसकी करो चाहे इसकी करो चाहे उसकी नाम अलग अलग हैं इसलिए कि हर जमाने में खुदा किसी और शक्ल सूरत में आया तो जिस भी शक्लो सूरत में आया हम जिस शक्लो सूरत की भी इबादत करेंगे वह खुदा की इबादत होगी तो ये इनके अंदर एक अहिदा हम अहिल ईमान हमारे इस्लाम में यानी कि यह कि अल्लाह तबारक ताली को, को जुल्म मिटाने के लिए ख़ुद आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है अल्लाह वो पावरफुल शक्ति और पावरफुल ताकत है वो सिर्फ़ कन कहते तो हो जाए हो जा तो हो जाए कुल फ़ैकुन है ना इधर आर तोल् अमरन अल्लाह तब किसी चीज़ का यानि कि इरादा फरमाता है सिर्फ चाहता है कि ऐसा होना चाहिए वो कहता है कन फ़ैक वो कहता है हो जा तो फिर वह हो जाती है उसे आने की ज़रूरत नहीं है ना और उसके पास इतने बंदे मौजूद हैं है ना अल्लाह ने बंदों को भेजा कि ठीक है तुम जाओ काम करो फरिश्तों को भेजा नबियों को भेजा तो अल्लाह तबारक व तारा को आने की ज़रूरत नहीं है दूसरी बात यह कि अल्लाह तबारक वाली ख़ुद किसी के जिसम में जाए उसे इसकी भी ज़रूरत नहीं वो मोहताज नहीं है यानी इसका मतलब तो ये हुआ देखिए एक यहाँ एक प्रॉब्लम एक करिएट होती वो ये कि अगर खुदा को ज़मीन पर आने के लिए ज़मीन पर आने के लिए किसी जिस्म की ज़रूरत है तो मोहताज हुआ जिस्म का दुनिया में आने के लिए और जो मोहताज हो वो खुदा नहीं हो सकता है ना जो पैदा हो वो खुदा नहीं हो सकता जो खाए पिए घूमे फिरे है ना और सारे काम करें है ना पैदा भी हो पैदा करे भी इसकी औलादें भी हों तो फिर वो खुदा नहीं हो सकता है और इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने सूरह इखलास नाजिल फरमाई है एकदम साफ सुथरा अकीदा अता फ़रमा दिया इखलास का मतलब ही प्योर बिल्कुल प्योर ये प्योर अकीदा क्या है कुल अः महबूब आप अकीदा दे दीजिए आप फरमा दीजिए अपनी उमर से अहद वो अल्लाह एक है लम यलिद वरम यूल न किसी से पैदा हुआ न उससे कोई पैदा होता है है ही नहीं अनक्रिएटेड है और वो उससे यानी कि जैसे इंसानों से औलादें पैदा होती उससे कोई नहीं पैदा होता पैदा क्रिएटर वही है मेड उस मेड उसी ने किया बनाया सबको उसी ने है लेकिन वैसा जैसे इंसान नस्लें पैदा करता है औलादें पैदा करता है अल्लाह से ऐसा कोई पैदा नहीं हो सकता और आगे फरमाता है अल्लाह बेनियाज है से उससे किसी की परवानी किसी से कोई ज़रूरत नहीं हो किसी का मोहताज भी नहीं है वो किसी से ना पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा हो और वरम यकुल्हकूफ़ फ रहाद उसका कोई हम मिसल उसका हमसर उसका कोई रिश्तेदार कुछ भी नहीं है उससे जैसा कोई नहीं है ना तो ये है हमारा इलाह का तस्वुर ये है तस्वुर इलाह कि अल्लाह जैसा कोई नहीं और अल्लाह तबारक जिस्म जिसम जिसमानियत शक्लो सूरत सारी चीज़ों से पाक है मकान से पाक है ज़माने से पाक है और वो हमारी सोच में आने से भी पाक है हम उसे सोच भी नहीं सकते कि वो कैसा हम सोच भी नहीं सकते तो बहरहाल हम उस अल्लाह की इबादत करते हैं अल्लाह तबारक वाले हमें क्यामत में अपना दीदार फरमाएगा तो वो दीदार मतलब ये नहीं है कि वो इंसानी फॉर्म में होगा या इस तरह कोई जिस्म होगा ऐसा नहीं है वो तो नूर है और नूर जो होता है ना वो हर तरफ बराबर नज़र आता है हमी ट्यूबलाइट वहाँ लगी है लेकिन उजाला तो जितना यहाँ दिख रहा है ना उतना ही यह उजाला यहाँ भी है और उतना उजाला यहाँ भी दिख रहा है है ना तो इसी तरह अल्लाह तबरको तारा तो सारी कायनात का नूर है ट्यूबलाइट तो फिर भी महदूद है यहाँ जल रही है बाकी सब बंद कर दो तो उजाला यहीं तक रहेगा उधर कोने में अंधेरा रहेगा लेकिन वो तो ज़मीन और आसमान का सारी कायनात का नूर है और उसका नूर बराबर तो हम अल्लाह का दीदार करेंगे उस नूर का दीदार करेंगे हालांकि वो उसका नूर इस नूर जैसा नहीं इसके लाइट जैसा नहीं एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूं है ना तो बहरहाल ये कि अल्लाह तबारक तो एक नूर है उसका हम दीदार कयामत में करेंगे कैसे करेंगे अल्लाह उसकी कैफियत को जानता है हमें नहीं पता कैसे करेंगे लेकिन हम अल्लाह का दीदार करेंगे तो बहरहाल कहने की बात यह कि ये जो है मुकाबले के लिए आए थे अल्लाह तबारक तौर ने यानी हत पहले हतिसीस तो तस्मीम के वाकयात और उनकी पैदाइश वगैरह सारी चीज़ें बयान की ताकि ये दलील हो इस बात पर कि इस्लाम जो है वो खुदा नहीं है बल्कि बंदे हैं अल्लाह के बंदे वो बेटे नहीं हैं अल्लाह के बेटे भी नहीं हैं लेकिन ये कि फिर उसके बाद भी उन्होंने नहीं माना ईसाई नहीं मान रहे तो अब जहाँ से अल्लाह तबारक तौर ने उन्हें इल्ज़ामी जवाब दिया इल्ज़ामी जवाब यानी इल्ज़ामी जवाब का मतलब ये होता है कि उन्हीं पर उल्टा देना उनका जवाब उन्हीं पर उलट देना इसे कहते हैं इल्ज़ामी जवाब तो अल्लाह तबारको तआला ने यहाँ से हत आदम अलैहिस्सलाम तो तस्लीम की तख्लीक का जिक्र फरमाया रब फरमा था इन मसल ईसा इन बलवाही दो का मसल आदम बेशक अल्लाह के यहाँ हत ईसा की मिसाल आदम के मिसाल की तरह है यानी अल्लाह के यहाँ ईसा आदम अलैहिस्सलाम जैसे ही हैं अब यानी कि अल्लाह तबारक वाली एक ऐसा खालिक है ऐसा क्रिएटर है कि वो जैसे चाहे जिसको चाहे पैदा फरमाए जैसे चाहे वो जिसको चाहे पैदा फरमाए मैंने इससे पहले अभी कुछ हफ्ते पहले की तफसीर में बयान किया था कि कुछ मखलूक़ ऐसी भी है कि जो बग़ैर किसी चीज़ के पैदा हो जाती जैसे कि पानी में मच्छर पानी में साफ़ पानी में भी मच्छर पैदा होते हैं गंदे पानी में भी मच्छर पैदा होते हैं लेकिन गंदे पानी के मच्छर सिर्फ काट कर जाते हैं हमको खुजालने पर मजबूर करते हैं और साफ़ पानी के मच्छर हमको मलेरिया टाइफोइड और पता नहीं क्या क्या बीमारियां डेंगू ये सारी चीज़ें देकर जाते हैं ये साफ़ पानी के मच्छर तो मच्छर में यानी कि वहाँ कोई मच्छर मच्छरी जमा नहीं हुए कोई मच्छर मच्छरी जमा नहीं हुए कि फिर उनसे मच्छरों की पैदाइश हुई नहीं बल्कि ऑटोमेटिक पानी से मच्छर पैदा हो गए बगैर किसी इसी तरह बारिश होती है तो मेंढक पैदा हो जाते हैं वहाँ मेंढक मेंढकी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना बारिश हुई मेंढकों की पैदावार शुरू हो जाती है मेंढक खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं इसी तरह से ऐसी बहुत सी मखलूक़ा है जो खुद ब खुद पैदा होती है यानी कि किसी न किसी चीज़ के ज़रिए पैदा हो जाती है तो देखें मच्छर भी पानी से और मेंढक भी बारिश के पानी से इसी तरह से है ना अल्लाह तबारक तारा ने इंसान को भी पानी से पैदा फरमाया हम इंसानों की पैदाइश पानी से वो पानी क्या है नुफा मर्द का औरत का नुफा दोनों मिलकर जो है इंसान पैदा होता है लेकिन हत आदम्सम और हतिसी इन दोनों की तख्लीक जुदा है वो सबसे अलग है और वो दोनों सबसे अलग हैं तो दोनों सेम सेम सै है अल्लाह के यहाँ कहते अल्लाह अगर हतिया को बग़ैर बाप के पैदा करने पर कादिर है तो अल्लाह हत आदम को बग़ैर माँ बाप के पैदा करने पर कादिर, और वो अल्लाह जो आदम को बग़ैर माँ बाप के पैदा करता है वह हतिया को बग़र बाप के कैसे पैदा नहीं कर सकता एक ये उलट दिया जवाब तुम कहते हो कि नहीं वो तो उनका वो तो बग़ैर बाप के पैदा हुए तो खुदा हैं बगैर बाप के पैदा हुए तो खुदा हैं तो अल्लाह फरमाता तो आदम ये तो बग़ैर बाप के ना आदम तो बग़ैर माँ बाप के पैदा हुए सूखी मिट्टी से खुश्क मिट्टी से वो तो बड़े खुदा होने चाहिए उसको उनको खुदा क्यों नहीं मानते हत आदम को नबी मानते हैं और हत ईसी को बना दिया खुदा है ना तो अल्लाह ने यानि कि उनको उल्टा उनका जवाब दिया है तो उसी को अल्लाह ने फरमाया कि बेशक हत की मिसाल अल्लाह के नज़दीक हत आदम जैसी है खलक उहमिन तराब अल्लाह ने आदम को खलक हो उनको पैदा किया मतलब आदम को पैदा किया मेहू तुराब मिट्टी से खुश्क मिट्ट तुराब कहते खुश्क सूखी मिट्टी से तो मे तुराब सूखी मिट्टी से फुन मकौलड़ू कन फ़याकुन फिर उनसे फरमाया हो जा तो हो गए फिर फरमाया हो जा तो हज आदम हो गए ये आयत नंबर उनसाठ तो अल्लाह तबारक तारा ने यहाँ पर जो है ना एक तो ये कि ईसाइयों का इल, को इल्ज़ामी जवाब दिया दूसरा ये कि अल्लाह तबारक आगे जो है ना नजरान के ईसाइयों को मुबाहले की दावत दी जा रही है तो वो आगे चल कर आएगा तो उसमें फिर यह कि अभी यानी कि एक इंसाफ पसंद बंदा हो ना इंसाफ पसंद तो उसके सामने दलाइल पेश किए जाते हैं दलीलों से समझाया जाता है उससे भे, उसके भेजे में उतारा जाता है कि देख ऐसा है तो ऐसा नहीं वैसा है तो ये हम उससे समझा सकते हैं लेकिन कोई हर धर्म हो ज़िद्दी हो न मानने की कसम खाकर बैठा हो तो फिर कहते हैं अब उसे दलीलों की जरूरत नहीं है या जो दलील है यानी कि दलाइल से हमने बात की मुनासरा किया है ना इस हमने उससे जो है कम्युनिकेशन कर लिया बातचीत कर ली वो समझने के लिए तैयार नहीं है तो फिर नंबर आता है मुबाहले का मुबाहला यानी चैलेंज करने का है ना फिर चैलेंज का पहले बातचीत का कम्युनिकेशन का नंबर आता है कि पहले दलाइल से समझाया जाए अगर समझ जाए तो ठीक और फिर भी ना समझता हूँ और अपनी ज़िद पर कायम रहे तो फिर नंबर आता है मुबाहले का अल्लाह ने फिर अपने महबूब से ये सारे दलाइल के बाद अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया महबूब फिर आप इनसे कहें कि चलो मुबाहला करते हैं मुबाहला क्या मुबाहला ये कि एक दूसरे पर लानत करना है ना मौत की दुआ करना एक दूसरे के लिए एक दूसरे के लिए मौत की दुआ करना और एक दूसरे से यानी कि मुकाबला अब ये मुकाबला बड़ा टफ़ होता है, है ना और मुबाह में एक फरीक तो मरना है एक को मरना है है ना जैसे आग में कूदने का चैलेंज कि चलो दोनों आग में कूदते हैं जो बच जाए वो हक पर है ना तो इसी तरह से पाकिस्तान के एक शख्स थे उनका यानी अखबार में भी आया था और मेरे ख़्याल से मेरे पास वो पोस्ट सेव भी होगी बहुत पुराने अखबार में यानी कि उन्नीस सौ सैतल से चालीस से भी पहले की बात है उनका वाक्य यानी कि आया था कि एक यानी कि किसी के साथ आपका मुकाबला हो गया कि किसी बद मजहब से आपका यानी झगड़ा हो गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़िर हैं अल्लाह के रसूल केिल्म ग गैब है ये सारी बातों पर वो बंदा सामने वाला कहता है कि नहीं मैं ये सब नहीं मानता हुजूर को ऐसा कुछ नहीं था हुजूर नूर नहीं थे वो हमारे जैसे आदमी थे हमारे जैसे बशर थे हालाँकि मैंने पहले भी बताया कि नूर हैं लेकिन ये कि बशर भी हैं वो हम हमार, हमारी तरह नहीं इंसान है लेकिन हमारी तरह नहीं है इंसान है लेकिन हमारी तरह नहीं हमसे बहुत अफज़ल और आला है लेकिन है तो इंसान तो बशर हैं और नूरी बशर हैं कि नूर और बशर दोनों मिक्स हैं नूर और बशर तो बहरहाल इस बात पर है ना उससे यानी कि झगड़ा हुआ अब वो तो जाहिल आदमी थे उनको दलाइल तो नहीं आते थे कि कुरान में ये है हदीस में वो है ये ऐसा वो तो दलील नहीं जानते थे तो लेकिन वो बंदा जब इनकार कर रहा था तो उसने कहा चल ठीक है तो आग में कूद जा चल देखते हैं कौन हक पर है है ना तो दोनों आग में कूदे जैसे ही कूदे वो आराम से सही सलामत है ना उन्हें कुछ नहीं हुआ और वो बंदा जला और भागा है ना जलकर भागा तो कहने की बात यह कि वो सही सलामत निकल आए उसके बाद जब उनका अभी यानी कि थोड़े सालों पहले इंतकाल हुआ तो फिर यानी कि न्यूज़ में यानी कि पाकिस्तान के अखबार में ये खबर छपी कि वो कि जो अल्लाह के रसूल सब की इज़्ज़त नामोज के लिए है ना आग में कूदे थे अब उनका इंतकाल हुआ तो बहरहाल कहने की बात यह कि यह है फिर चैलेंज ये मुकाबला ये बाद में आता है पहले उससे समझाया जाए न समझें दलील से तो फिर आगे की बात तो यहाँ वो की यानी वो हो रहा है और मुना में अगर नहीं समझते हैं तो फिर अल्लाह ने फरमाए महबूबा मुबाला आप फरमा लीजिए <सथिक्ति> और पिछली हाथों में जो है थे ईसा अल्सा तो तस्सीम के बिल्कुल हैरान कर देने वाले वाक़ बयान किए गए थे और ऐसे वाक़ात के जिससे लग सकता था हाँ ईसा इस्लाम तो बड़े पावरफुल खुदा हो सकते हैं खुदा हो सकते हैं मिट्टी का परिंदा बनाते फूक मारते तो परिंदा बनकर उड़ जाता है है ना ये तो ऐसा तो कोई नहीं कर सकता वो तो खुदा ही हो सकते हैं एक शक हो सकता था बीमारों को अच्छा कर देते हैं वगैरह वगैरह तो अल्लाह तबरक तारा ने आ उस पर यानि कि ये आ अब ये उनकी ग़लत फहमी दूर की जा रही है कि भाई ये हत ईसा अलीस तो तस्लीम का ये सारे हैरान कन यानि कि बगैर बाप के पैदा होना या उनके मुआजा दिखाना कहते ये सारे हैरान कन वाक़ जो हैं उनके खुदा होने की दलील नहीं है बल्कि ये तो मुआजात हैं जो अल्लाह ने बहुत से नबियों को अरमाया बहुत से रसूलों को अल्लाह ने फ़रमाए हैं और हत ईसा आई बग़ैर बाप के तो आदम बग़ैर माँ बाप के खुश मिट्टी से पैदा हुए हैं तो वो तो और ज्यादा अजीब व गरीब है तो तो और यानी कि उनको मानो खुदा उन्हें खुदा नहीं मानते और हरत ईसा को खुदा मानते तो इसका इस आय मुबारक का शान नजुल व नजरान का की जो जमात आई थी उन्होंने आखिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये यानी कि दलाइल पेश किए और ये सारी बातें बताई अल्लाह के रसूल ने उन्हें समझाया कि नहीं वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं और वो अल्लाह का कलमा हैं यानी कि अल्लाह ने कुन फरमा कर उन्हें पैदा किया तो अल्लाह का कलमा है जो हत जबराइल ने हत मरियम के गरेबान में फूँक मारी थी ऐसे बस फूँक मार दी दीह ईसीाम जो है वो हत मरियम के पेट में आ, आ गए तो कहते हैं कि ये हज़रत ईसा व तस्सीम जो है वो अल्लाह के बंदे हैं जो जहत जबरीमीन के ज़रिए से हत मरियम को अता किए गए तो अब ये बात यानी कि इनकी समझ में नहीं आई तो फिर अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि अच्छा यहाँ ख़लक हो बिन अल्लाह ने आदम को तो मिट्टी खुश्क मिट्टी से पैदा किया ये ज़्यादा तजुब वाली चीज़ है अच्छा ये है आदम इस्लाम को आदमी और इंसानों की पैदाइश को अल्लाह तबारक ताली ने पूरे क़ुरान में मुख्तलिफ चीज़ों से बयान फरमाया है ना अल्लाह तबारक ताली ने इंसानों की पैदाश को नुफ़े से भी करा दिया मिन मिनुस् नमसाज है ना ये नुफे से पैदा हुआ तो नुतफ़े से भी यानी करा दिया इसी तरह से अल्लाह तबारक ने इंसान की तख्लीक को खुश्क मिट्टी में तो खुश्क मिट्टी से करार दिया इंसान की यानी कि पैदाइश को अल्लाह तबारक तारा ने तीन लाजिब यानी कि लेसदार मिट्टी ऐसा कीचड़ के जिस बिल्कुल चिकना चिकना यानी कीचड़ उससे पैदा किया ये फरमाया खनकती हुई मिट्टी से यानी कि बिल्कुल सूख कर मटका आपने देखा होगा मिट्टी यानी मिट्टी गीली होती है और उससे मटका बनाया जाता है लेकिन बनाने के बाद उससे खुश्क सुखा दिया जाता है या उसे आग में पका दिया जाता है फिर उसको टन टन करें तो टन 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 आवाज़ आती है वैसे मिट्टी को मारिए तो आवाज़ नहीं आएगी लेकिन अब ये जब बनाकर इसको हमने यानी कि सुखा दिया और वो बिल्कुल ऐसे सख्त हो गया चाहे वो गोल मटका हो चाहे वो यानी कि हमने कढ़ाई बनाई चाहे प्लेट बनाई जो भी बनाई लेकिन अब उसको ऐसे मारो अलहमदिल्ला अब मारो तो टन टन की आवाज़ आती ये है ना ऐसी मिट्टी के जो खन खन की आवाज़ पैदा करने वाली मिट्टी तो अल्लाह ने कहीं फरमाया कि खन खन आवाज़ पैदा करने वाली मिट्टी से हमने इंसान को पैदा किया कहीं पर फरमाया कि अल्लाह तबारक तारा ने इंसान को जल्दबाजी और मशक्क़त डाल कर पैदा फरमाया ये सारी चीज़ें तो ये अलग अलग चीज़ों का जिक्र अल्लाह ने कुरान में मुख्तलिफ जगहों पर फरमाया लेकिन यह कि बात यह है कि सारी चीज़ें उसमें जमा हैं सारी चीज़ें जमा हैं पहले मिट्टी और मिट्टी भी कैसी पूरी दुनिया की हर किस्म की मिट्टी इसमें मौजूद है पूरी दुनिया की हर किस्म की मिट्टी हरत आदम के पुतले में मौजूद थी कोई मिट्टी दुनिया में ऐसी नहीं कि जो हत आदम में मौजूद ना हो लाल मिट्टी सफ़ेद मिट्टी काली मिट्टी नरम मिट्टी सख्त मिट्टी यानी जैसी भी मिट्टियाँ दुनिया में हैं वो सारी मिट्टियाँ अल्लाह तबारक तारा ने हत आदम के पुतला बनाने में यूज़ की और फिर ये कि उसे पहले तो गारा बनाया गया गारा यानी कि पानी डाल के अच्छा तो हत आदम में मिट्टी है और मिट्टी ही असल है इसी वजह से मिनतराफ़ फरमाया मिट्टी से पैदा किए वरना तो हत आदम में आग भी है हवा भी है पानी भी है सारी चीज़ें जैसे हम रोटी पकाते हैं तो हम क्या कहते हैं रोटियां आटे से बनी जबकि उसके अंदर पानी भी होता है थोड़ा नमक भी होता है थोड़ा तेल भी होता है लेकिन कोई नहीं फिर आग इससे पकड़ाई भी जाती है लेकिन कोई नहीं कहता कि आग की रोटी है कोई नहीं कहता कि नमक की रोटी है कोई ये नहीं कहता कि पानी की रोटी है हर कोई कहता आटे की रोटी है गेहूं के आटे की रोटी है जौ के आटे की रोटी बाजरी के आटे तो आटा इसलिए कि वो असल है वो असल है ये बाकी सारी चीज़ें तो उसमें सिर्फ मिलाई गई ऐसे ही हते आदम असल मिट्टी है असल मिट्टी और फिर उनमें यानी पानी डालकर उससे पहले घारा बनाया गया घारा बनाने के बाद उसे बिल्कुल छोड़ दिया गया यहाँ तक कि वो बदबू आने लगी बदबूदार हो गए सड़ गई मिट्टी सड़ गई पानी और डालकर गारा बनाकर छोड़ दिया सड़ गई वो बदबू फिर उसके बाद उसे सुखाया गया और फिर उसके बाद उसे यानी कि हर आदम इलासम का उसे फिर पकाया गया आग भी यानी हवा पानी आग सब कुछ उसके, उसके अंदर मौजूद है तो इस तरह हरत आदम का पुतला होना अल्लाह ने फरमा कन या आदम ए आदम हो जा तो आदम हो गए अब ये आदम हो जा तो आदम हो गए क्या मतलब मतलब ये कि अल्लाह ने फरमाया के कन कु कन बशरन या इंसान या कुन बशरन या आदम या कन आदमन या आदम है ना जो भी फरमाया आदम आदम हो जा ए आदम नबी हो जा ए आदम बशर बन जा ए आदम इंसान बन जा जो अल्लाह ने फरमाया यानी कन फ़याकुन का ही मतलब है कि तू आदम तू बन जा तो आदम बन गए और कैसे बने उनके अंदर जान भी आ गई यानी कि सारे बॉडी पार्ट्स भी तैयार हो गए सारे बॉडी पार्ट्स तैयार हो गए उनके अंदर जान रूह भी आ गई और फिर रूह आने के बाद फिर अल्लाह ने उन्हें सारे आसमां भी सिखा दिए हैं सारे चीजों के नाम कयामत तक की सारी चीज़ों के नाम सिखा दिए है ना तो ये कुन से, सिर्फ लफ्ज कुन से हुआ तो अल्लाह ने फरमाया कि ए आदम हो जा तो फिर वह हो गए अल्लाह तार आगे अर्शाद शर्माता है मब्बिक फ़ला मिन मिनलमतरीन अल्लाह फरमाता है कि हक तुम्हारे रब की जानब से अलक को मिल हक तुम्हारे रब की जानब से है फ़ला मिन मिनलमतरीन तो शक करने वालों में से ना होना शक करने वालों में से ना होना यानी हक तुम्हारे रब की जानब से तो शक नहीं करना ये बाहिर हजूर को खिताब है लेकिन मखातब हम सब हैं सारे मुसलमान और जो भी कुरान पढ़े वो मखातब है इस एतबार से कि अल्लाह तबार हरत ईसा खुदा नहीं है अल्लाह ने हरते आदम को मिट्टी से पैदा किया इन सारी चीज़ों में शक करने की ज़रूरत नहीं है और शक करने वाला मत बनना बल्कि शक करने वालों की जमात में से भी मत बनना उसमें क्या एक हिस्सा भी मत बनना एक तो होता है कि बंदा खुद शक करता है, है ना और एक ये होता है कि खुद शक तो नहीं करता लेकिन शक करने वालों के साथ मिल गया मिल गया है ना शक नहीं है लेकिन मिल गया उनके साथ तो ये तो एक यानी कि इसको आम मिसाल में हम एग्ज़ाम्पल में यूँ समझ सकते हैं कि एक बंदा जो है ना वो जुल्म तो नहीं करता यानी कि उसे पसंद नहीं है कि किसी को ऐसे ही बग़ैर गुनाह के बग़ैर वजह के पकड़ कर मारा जाए उसे पसंद तो नहीं है और वो ऐसा कभी करता भी नहीं है लेकिन ये पूरी जमात है ना ऐसी थी एक जमात कि जो बेगुनाहों को पकड़ कर मार रही थी ये भी मजबूरन शामिल हो गया कि चलो हत्या अब्बास रज़ी अल्लान हो अब्बास इब्न अब्दुल मतलब अब्दुलम सरकार के चचा वो बद्र में आना नहीं चाहते थे लेकिन ज़बरदस्ती लाए गए थे तो वो काफिरों में से यानी कि जंग करने वालों में से नहीं थे लेकिन जंग करने वालों में शामिल ज़रूर थे जंग करने वालों में से नहीं थे इसलिए अल्लाह के रसूल ने पहले ही फरमा दिया था अब्बास अगर नजर आ जाए कोई इसको कत्ल मत करना इसलिए कि वो खुद आए नहीं लाए गए हैं आए नहीं हैं लाए गए हैं तो हत अब्ब्ब्ब्ब्बास हो जाए हत अब्बास को सर यानी कि ज़बरदस्ती लाया गया था तो वो जंग करने वालों में से तो नहीं थे लेकिन जंग करने वालों में शामिल थे जंग करने, करने वाले नहीं थे लेकिन जंग करने वालों में शामिल थे तो अल्लाह फरमाता है शक करने वाला तो दूर की बात शक करने वालों में से भी मत होना उस जमात में से भी नहीं बिल्कुल हक बात है अल्लाह की जानब से यकीन रखना इस बात का फमन हाथ जक साठ हो गई अब आयत नंबर इकसठ और इसी में मुबाह का जिक्र है अल्लाह ताला फरमाता है ये तो दलील से समझाने की बात थी अब अल्लाह ताला फरमाता है फमन हाज फी ही फरमाता है कि फमन हाथ जक तो जो भी यहाँ मन से मुराद नजरान के नसारा हैं तो जो भी हाथ जक आपसे हुज्जत करे आपसे मुकाबला करे आपसे हजत करे किस बारे में फ़ी ही हतिस उनके बारे में यानी यानि हरिसम के बारे में जा बाद इसके के तुम्हारे पास इल आ गया अरे हमने कुरान की आते नाजिल करके बता दिया कि हक बात क्या है हमने कुरान नाजिल फरमा कर बताया कि हक क्या है फिर भी अगर ये नहीं मानते वही की यानी के, के ज़रिए से भी ये नहीं मानते तो फिर अल्लाह फरमाता फ़कुल तो महबूब अब आखिरी बस ये मुनासर ख़त्म हो है ना अब आखिरी बात फकुल तो महबूब आप फरमा दीजिए ताड़व आ जाओ ताड़ आ जाओ नदरू अबनाना हम अपनी औलादों को बुलाते हैं वह अबनाकुम और तुम अपनी औलादों को बुलाओ कहते नदरु अबनाना व अबनाकुम ताड़व आ जाओ हम हमारी औलादों को लेकर आते हैं तुम अपनी औलादें लेकर आ जाओ व निसाना व नसाकुम हम अपनी औरतों को लाते हैं तुम अपनी औरतें ले आओ है ना वह अनफसना व हम खुद आएँगे तुम खुद आ जाओ फिर करते मुकाबला है ना फिर क्या करना है नब तहल फिर हम मुबाहला करें नब तहल फिर हम मुबाहला करें फनजा आजम तो हम झूठों पर अल्लाह की लानत करें हम झूठों पर अल्लाह की लानत करें तो यहाँ अल्लाह तबारक तारा ने अब यहाँ मुबाहे का की तलख़ीन फरमाए क्या महबूब ये ऐसे नहीं मानने वाले आप इनसे मुबाह फरमा लीजिए <स्यासरी> अब यहाँ जो है अल्लाह के रसूल ने जो मुबाहले की दावत दी है तो आ, उन्होंने जो है ना मोहलत मांगी सरकार ने फरमा दिया आज सुना दी तो उन्होंने कहा मोहलत हम थोड़ा सा राय मशवरा कर लें हम कल आपको जवाब देते हैं सरकार ने कह को कोई बात नहीं ठीक है जाओ कल आ जाना है ना क्या ठीक है अब ये जो है ना गए और इन्होंने जाकर राय मशवरा किया तो इनका जो सबसे बड़ा पादरी था ईसाई पादरी था पादरी था आक़िब अब्दुल मसीह है ना तो उस आकिब अब्दुल मसीह ने कहा कि देखो बात यह है कि वो सच्चे नबी हैं बात यह है यानी सब ने कहा कि आप क्या फरमाते हैं क्या करना चाहिए ये मुबाहले की दावत दे दी है एक दूसरे पर लानत करना ज़ाहिर सी बात है लानत का मतलब लानत होता है अल्लाह की रहमत से दूर और जिस पर लानत की जाए वो एक साल के अंदर मर जाएगा एक साल में मरना जो झूठा होगा वो एक साल में मर जाएगा तो, तो क्या कह तुम अब मुबाह करना तो क्या ख्याल है क्या करते हो तो जो यानी जो अब्दुल मसीह आक़िब जो बड़ा पादरी था उसने कहा देखें बात यह है अच्छा इन्होंने यानी कि बनु क्रैजा बनु नज़ीर जो यहूद यहूदी वहाँ रहते थे ना मदीने के करीब में उन यहूदियों को भी बुला लिया है ईसाई और ईसाई यहूदी कट्टर दुश्मन ईसाई यहूदी आपस में दोनों कट्टर दुश्मन है यानी कि अमेरिका और इसराइल आपस में कट्टर दुश्मन इंग्लैंड ब्रिटेन और इसराइल आपस में कट्टर दुश्मन लेकिन इस्लाम के खिलाफ दोनों दोस्त हाथ मिला लेते हैं दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं ना हालांकि कितने कट्टर दुश्मन है कि यहूदी हज़रत ईसा इस्लाम को नबी नहीं मानते यहूदी हजरत ईसा इस्लाम को है ना जिना की औरत करा देते हैं कहते मरियम ने बदकारी की किसी से तो ईसा पैदा हुए माजल्ला है ना और दूसरी बात यह कि यहूदियों ने बस ज़ाहिर बसाहिर ईसा को तो कत्ल नहीं किया लेकिन उनके एहतिक़ के मुताबिक उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया सूली पर लटका दिया तो जिस इनके नबी को जिनको ये खुदा का बेटा मानते हैं उन्हें जिन्होंने कत्ल किया उन्हीं से हाथ मिला लिया क्यों इस्लाम के खिलाफ तो इन्होंने बनो नज़ीर बनो कुरैज़ा को भी है ना बुला लिया तो दुश्मन यानी कि जो दोनों मिल गए हैं दोनों दोस्त बने हैं है ना इस्लाम के खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ तो जो आखिब अब्दुल मसीद था ना आ, उसने आ, कहा कि यानी या आखिब एक बड़ा सरदार बड़ा पादरी था उसने अब्दुल मसीद दूसरे बड़े पादरी से कहा कि आप फरमाए आपकी क्या राय है तो वो बोला कि देखो तुम लोग जानते ही हो कि अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना ये सच्चे रसूल हैं अगर तुमने उनसे मुबाहला किया तो सब के सब हलाक हो जाओगे अगर तुमने उनसे मुबाहला किया तो सब हलाक हो जाओगे अगर अपना दीन बचाना चाहते हो अपने लोगों को बचाना यानी कि नसरानियत दुनिया में रहे ईसाइयत दुनिया में रहे अगर ये चाहते हो तो मुबाह मत करना हाँ उनसे मुबाहला मत करो और चुपचाप घर वापस चले जाओ इसलिए कि वो सच्चे नबी हैं और इनका ज़िक्र जो है तौरात में भी मौजूद है इन में भी मौजूद है अब ये दूसरा दिन हुआ इन्होंने राय मशवरा किया कि हमको मुबाह नहीं करना अब दूसरे दिन ये लोग भी निकल कर आ रहे हैं साथ में चालीस एक अफराद थे ये लोग निकल कर आ रहे हैं इधर से अल्लाह के रसूल वसम ने मुबाह था कि भाई चलो मुबाह करेंगे तो सरकार ने है ना अपने साथ हसनैन करीमैन को लिया इमाम हुसैन एक गोद में एक हाथ में यानी कि पकड़ा हुआ है तो इमाम हसन का और इमाम हुसैन और हाथ अली और फातमा और रजीलम ये हैं पंजतन पाग अल्लाह के रसूल सल्लासम ना और अली फातमा हसनैन करीमैन ये पाँच ये पाँचों निकले हैं और हते अली यानी साथ में पीछे हत फातमा भी चल रही हैं और साथ में हसनैन करीमैन है सरकार के साथ और सरकार ऐसे लेकर आ रहे हैं चादर उमबारकोड़ी हुई है सरकार ने और ये सब आ रहे हैं ऐसे उधर से वो लोग सामने से आ रहे हैं अब्दुल मसीहरा देख रहे हो देख रहे हो मैं ऐसे यानी ये देख रहे हो कौन आ रहा है मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ ये बहुत ज़बरदस्त जुमला मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर इन्होंने दुआ की कि किए अल्लाह तू इस पहाड़ को अपनी जगह से हटा दे और इनके साथ वालों ने आमीन कहा तो अल्लाह पहाड़ अपनी जगह से हटा देगा मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ है ना अल्लाह पहाड़ हटा देगा तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है तो समझ जाओ हाँ मुबाला करना नहीं है तो कहते हैं कि अब आमने सामने हुआ तो सरकार ने कहा चलो लानत करते एक दूसरे पर यानी मुबाला कर लें तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं हमको मुबाहला नहीं करना हम जो है आपसे मुकाबला नहीं करना चाहते हम जो है वापस जा रहे हैं तो इन्होंने मुबाहला नहीं किया और ये वापस लौट गए अल्लाह के रसूल फरमाते अगर इन्होंने मुबाहला किया होता तो ये तो जाते ही जाते लेकिन एक साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया से ईसाइथ ख़त्म हो जाती पूरी दुनिया में ईसाई जितने भी होते सब मर जाते अगर इन्होंने मुबाहला कर लिया होता तो आज ये ईसाई नाम का दिन ही मौजूद नहीं होता ये सब ख़त्म हो चुके होते तो बहरहाल इन्होंने मुबाहला नहीं किया और वापस लौट गए और इन्होंने जो है ना ये सुलह कर ली कि भाई हम आपसे सुलह करते हैं हम आपको टैक्स दिया करेंगे हमको मुबाहला तो नहीं करना लेकिन हम आपको टैक्स दिया करेंगे तो फिर ये हर साल जो है टैक्स दिया करते थे हर साल अल्लाह के रसूल की बारगाह में टैक्स भेज देते थे बिल्कुल ईमानदारी के साथ है ना हाँ तो इन, इन्होंने जो है ना उस वक्त दो हज़ार कपड़े यानी दो हज़ार जोड़े दिए तैंतीस जिरहें अता दी हैं तैंतीस ऊँट और चौंतीस ऊँट चौंतीस घोड़े है ना ये इन्होंने तय किया कितने दो हज़ार जोड़े कपड़े दो हज़ार जोड़े है ना ये देंगे हर साल हर साल देंगे 2000 जोड़े देंगे और 33 ज़रा जो यानी कि पहनते हैं जंग में यहाँ पर ज़रा पहनते हैं वो ज़रा देंगे 33 और 33 ऊंट देंगे 34 घोड़े हर साल हम आपको टैक्स में अदा करेंगे सरकार ने कहा ठीक है मंजूर है तो जाओ ये जो है बहरहाल अगर यानी कि वो मुबाहला कर लेते तो उसी वक्त वो ईसाई जो थे मुकाबले के लिए आए वो सर और खनजीर बन जाते बंदर बन जाते खनजीर बन जाते और वो तो तीन दिन के अंदर मर जाते लेकिन पूरी दुनिया से ईसाइत एक साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती अगर वो मु मुकाबला कर लेते बहरहाल उसके बाद अल्लाह के रसूल ओसम ने है ना इन लोगों को ये जो पाँच है इन्हीं के तल्क से अल्लाह के रसूल ओसम ने यह फरमाया था अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं ये मेरे अहले बैत है तो इन्हें साफ सुथरा और पाक फरमा दे बहरहाल तो ये नजरान के ईसाइयों ने मुनाजरा मुबाहिला किया नहीं अल्लाह तबरक तौ ने तो इन आयत में उसी का जिक्र फरमाया था ये उनसाठ साठ इकसठ तक की आयत थी है ना और इन आगे की तफसीर फिर आइंदा हफ्ते हम करेंगे अल्लाम वरम्ला वर्क